थंबनेल ऐसे बनाना चाहें कि लोग देख के कहें वाह क्या थंबनेल बनाया है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, या फिर हम बिना चेहरा दिखाए अपनी वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो वहां पर जो फोटोज होती है ना वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, या फिर वो मिलती भी है तो बहुत ही लो क्वालिटी की फोटोज मिलती है, या फिर उनमें किसी भी तरीके से कुछ गड़बड़ होती है जिसको हटाना है, ऐड करना है, जो भी चीजें हैं वो सारे सॉल्यूशंस हमें करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आया हूं जिसको आप फ्री में कर पाओगे ट्राई, और वहां पर आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, चाहे आपकी लो क्वालिटी की फोटो है जिसको आप अपस्किल कर सकते हो बहुत बढ़िया, चाहे आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, या उसको किसी भी तरीके से अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जीरो से भी बना सकते हो। बस आपके दिमाग में ख्याल होना चाहिए और आप उस फोटो को बना पाओगे, जो बहुत ही कमाल का है। AI की मदद से ये टूल काम करता है जिसका नाम है हिटपा फोटो इनहेंसर AI। अब ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है लेकिन आपके बहुत काम किया है, पर्सनली मैंने ट्राई करी, मुझे मजा आया चला के, तभी मैंने सोचा कि आपके लिए हम बनाते हैं। देखो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे वहां से आप इसको ट्राई कर सकते हो, और यहां पर मैंने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया है। अगर आप मोबाइल में ये सब करना चाहते हो ट्राई, तो आप मोबाइल के अंदर भी कर सकते हो। अब देखो यहां पर जो है इनके पास चार ऐसे टूल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा काम किए, चारों के चारों मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपके कोई भी डाउट्स ना रहे। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे AI इनहेंसर को। अब जैसे यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या करेगा, अगर आपके पास कोई भी पुरानी फोटो है, ब्लर फोटो है, या फिर लो क्वालिटी की फोटो है जो आपको अपनी वीडियो में अपलोड करनी है किसी भी तरीके से, लेकिन वो शार्प होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप अपनी फोटो को अपलोड करोगे तो वहां पर आपको अलग अलग ऑप्शंस नजर आएंगे। अब देखो राइट हैंड साइड पे आपको अलग अलग काफी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि फेस मॉडल है, यानी कि अगर आपका जो फेस है उसकी प्रायोरिटी क्या रखनी है आपको, कि वो सॉफ्ट रखना है या फिर शार्प रखना है, तो उस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें जब हम फेस मॉडल को सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट फेसेस आप कर सकते हैं, ये फोटो के अंदर जितने भी फेस होंगे उनमें से डिटेक्ट कर लेगा, और किसके ऊपर काम करना है आप वो भी कर सकते हो, या फिर सबके ऊपर करना हो तो आप सारे फेस सेलेक्ट कर सकते हो। यहां पर इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आपको देखेगा कि आपको जल्दी से इसमें रिजल्ट चाहिए या फिर हाई क्वालिटी आपको चाहिए। मैं हमेशा क्वालिटी प्रेफर करूंगा, हमेशा चाहे वो एक मिनट ज्यादा लग जाए, तो क्वालिटी के ऊपर रख के आप बाकी सारे ऑप्शंस इस तरीके से देख सकते हो जो अलग अलग यहाँ पे है। अगर आपकी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है तो आप उसमें कलर भी डाल सकते हो, अगर आपकी फोटो में ग्रेन्स ज्यादा है यानी कि वो दाने दाने से ज्यादा है तो वो भी यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, अगर कलर्स आपकी फोटो के ठीक नहीं है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, और साथ ही साथ में मान लो कि आपके पापा दादा या परदादा की भी कोई पुरानी फोटो है जिसपे बहुत सारे स्क्रैचेस थे, तो वो फोटो आप यहाँ पे अपलोड करके वो स्क्रैचेस से एकदम हटा सकते हो और आपकी फोटो एकदम बढ़िया बन जाएगी जब आप यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर रेजोल्यूशन जो है थोड़ी देर के अंदर आपका चेंज होता है वो आपको नजर आएगा, और अगर यहाँ पे मैं साइड बाय साइड दोनों फोटोज को दिखाऊं तो बहुत ही ज्यादा फर्क यहाँ पे दिखाई देता है। अब चाहे आप फेस पे फर्क देख लो, चाहे ऊपर ये माथे पे बैंडेना की तरफ देखो, शार्पनेस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्लैरिटी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे अगर घड़ी के ऊपर लेके आए तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में हमारी बिफोर फोटो थी और राइट साइड में हमारी आफ्टर, काफी तगड़ा ये काम करती है, तो पर्सनली इसलिए मेरे को ये बहुत मजेदार और काम का टूल लगा था। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है हमारा AI जनरेटर। अब यहाँ पर देखो आप बहुत ही तगड़े तगड़े काम कर सकते हो। अब जैसे काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि थंबनेल पे वो कार्टूनिश वाली फोटो कैसे बनाई, कैसे लगाई, तो वो चीज भी आप यहाँ से कर सकते हो। बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी कोई भी फोटो को आप अपलोड कर सकते हो, और यहाँ पर बहुत सारी थीम दे रखी है कि किस तरीके का फोटो आप बनाना चाहते हो। आप वहां से कोई भी थीम सेलेक्ट करो और जनरेट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे और कुछ ही मिनटों के अंदर यहाँ पर आपको वो AI जनरेट करके दे देगा इमेजेस जो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग बहुत सारी हैं। आपको अगर वो पसंद नहीं आ रही है तो आप चेंज भी कर सकते हो, थीम भी अलग कर सकते हो। और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बात यह है कि मान लो कि कोई फोटो है जो आपके दिमाग में खुराफाती सी, अब मैं यहाँ पे आपको एक डेमो भी दिखाता हूँ। बाय द वे आप इन फोटोज को डाउनलोड भी बहुत अच्छे क्वालिटी में कर सकते हो। अब मान लो कि आप चाहते हो कि कोई फोटो ऐसी है, मैं एग्जांपल के लिए कि मेरे दिमाग में चल रहा है कि एक बंदर बैठा हुआ है घोड़े के ऊपर ताजमहल के सामने, ये चीज हम यहाँ पे टाइप कर देंगे और ये इसको भी इमेज को बिल्कुल जीरो से बना के दिखा देगा। और ये देखो हमारे सामने फोटो आ गई। अब ये बंदर तो टिपिकल नहीं दिख रहा है लेकिन स्पेस सूट पहना हुआ है, जैसे मैंने टाइप किया था तो स्पेस सूट के अंदर बंदर बैठा हुआ है और ये ताजमहल के सामने घोड़े पे बैठा है, तो देख लो काफी तगड़ा ये मतलब काम करता है। अब आपके दिमाग के ऊपर है कि आप क्या चीज सोच सकते हो, ये बना देगा, आपको सोचना पड़ेगा। तीसरा है हमारा बैकग्राउंड रिमूवल। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज है, बेसिकली आपको कोई भी फोटो में से बैकग्राउंड को रिमूव करना है, आपको बस उस फोटो को यहाँ पे अपलोड करना है
यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट जो आपका होगा, जैसे आप अगर सामने खड़े हो तो आपको डिटेक्ट बहुत अच्छी बारीकी से कर लेगा और आपके पीछे का बैकग्राउंड जो रिमूव ये कर देगा। अब बैकग्राउंड रिमूव ऐसा नहीं कि कुछ एजेस इधर जा रही है कुछ उधर जा रही है, बहुत अच्छे से ये बैकग्राउंड को हमारे रिमूव करता है और काफी शार्प क्लीन फोटो आपको देखने को मिलती है। अब इसमें मान लो कि बाय चांस कुछ भी रह गया एक्स्ट्रा या फिर कुछ एक्स्ट्रा आ गया, तो वो भी आप अपनी पसंद के हिसाब से ब्रश की मदद से रिमूव या फिर ऐड कर सकते हो। और चौथा हमारा लास्ट टूल आता है हमारा ऑब्जेक्ट रिमूवल का। और मान लो आपने फोटो खिंचाई अपने दोस्त के साथ, लेकिन साइड में कोई बंदर आ गया, कोई आदमी आ गया, किसी का हाथ पैर आ गया, कुछ भी, तो वो चीज हम नहीं चाहते थे हमारी फोटो में हो, लेकिन जो हमारा बैकग्राउंड था वो हम पूरा रखना चाहते हैं, तो उसका हम क्रॉप नहीं करना चाहते। तो ऐसे में हम ये ऑब्जेक्ट रिमूवल टूल के ऊपर जाके अपनी फोटो को अपलोड करेंगे। यहाँ पर बेसिकली जो आपका साइड का जो चीज आप हटाना चाहते हो उसको सिंपली सेलेक्ट करना है और यहाँ पे रेक्टेंगल जैसे मैंने बनाया तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लिया कि ये जो हाथ आ रहा है किसी का ये एक्स्ट्रा है, तो इसको उसने अपने आप डिटेक्ट करके वहां से रिमूव कर दिया। और देखो बैकग्राउंड में ऐसा नहीं कि कोई फोटो थी, इसने आसपास के एरिया को डिटेक्ट करके उसी के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया हमारा बैकग्राउंड बना दिया। अब मान लो जैसे मेरी शर्ट के पीछे भी एक और आदमी का चेहरा आ रहा है, इसको भी हम ऐसे रफली सिलेक्ट कर लेते हैं। जितना बारीकी से आप करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट भी मिलेगा। तो इसको जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इसको हम रिमूव करते हैं, तो देखो बैकग्राउंड में से आदमी भी गायब हो गया, शर्ट के पास ये थोड़ा बहुत अलग से नजर आ रहा है। अगर आप बारीकी से काम करोगे तो ये चीज आपकी नहीं दिखाई देगी। तो ये चार टूल है गाइस हिटपा फोटो AI एनहांसर के, तो ये आपको डेफिनेटली ट्राई करने चाहिए। पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगे। आपको अगर ये चेकआउट करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।